शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन जमानत नहीं मिल रही। आर्यन को सलाखों के पीछे 10 दिन हो चुके हैं, आखिर उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। अगर आज आर्यन को जमानत नहीं मिली तो अगले 5 दिन उन्हें जेल में गुजारने होंगे। इस सब के बीच एनसीबी को शक है कि ड्रग्स केस का इंटरनेशनल कनेक्शन है। एनसीबी ने कल कोर्ट के सामने ये कहा कि उसे कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसमें किसी विदेशी शख्स से ड्रग्स और पैसों की लेन देन की बात हो रही थी। आर्यन के ड्रग कनेक्शन का सच क्या? इंटरनेशनल ड्रग चेन पर एनसीबी का खुलासा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल की कैद में 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पहले एनसीबी की कस्टडी और अब आर्थर रोड जेल की सलाखों के बीच आर्यन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने ड्रग केस में इंटरनेशनल कनेक्शन होने का दावा किया और सभी को चौंका दिया। एनसीबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। एनसीबी का दावा है कि उस व्हाट्सएप चैट में कुछ विदेशियों से ड्रग्स और पैसों के लेन देन को लेकर बात हो रही है। एनसीबी की दलीलें थी कि आर्यन के पास ड्रग्स भले ही न मिले हों लेकिन वो पेडलर्स के संपर्क में थे। ये एक बड़ी साजिश है जिसकी जांच जरूरी है। एनसीबी ने दलील दी कि ड्रग्स नेटवर्क के तार विदेशों से जुड़े हैं और इस बारे में विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, वो जांच को प्रभावित कर सकता है, साथ ही जमानत मिलने पर वो देश छोड़कर जा भी सकता है। व्हाट्सएप चैट में बल्क क्वांटिटी का जिक्र है और अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें से 4 ड्रग पेडलर्स हैं। एनसीबी ने कोर्ट को यह भी बताया कि विदेशियों तक पहुंचने के लिए उनकी टीम विदेश मंत्रालय से मदद मांग रही है। एनसीबी ने दावा किया है कि आर्यन बीते 2 सालों से लगातार ड्रग्स ले रहे हैं और ये बात खुद आर्यन खान ने कबूल की है। एनसीबी ने अपना जवाब फाइल करते हुए साफ तौर पे कहा था कि आर्यन खान को अरबाज मर्चेंट और अरबाज मर्चेंट के सोर्सेज के जरिए कॉन्ट्राबैंड मिलने की बात सामने आई है। यही नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी अपनी जिरह में ये बात कही कि उनके पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ये बात एस्टेब्लिश करते हैं कि आर्यन खान पिछले 2 सालों से इस तरह का ड्रग्स ले रहे थे। एनसीबी की दलीलों के जवाब में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से न तो कोई ड्रग्स मिली है और न ही वो किसी तरह की साजिश में शामिल है। अमित देसाई ने आर्यन को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश की और कहा कि आर्यन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आर्यन के पास कैश नहीं था, जाहिर है कि ड्रग्स लेने या बेचने की योजना नहीं थी। वो ड्रग्स का सेवन करने वाला नहीं था, वो न तो ड्रग पेडलर है और न ही ड्रग रैकेट का हिस्सा है, न ही ड्रग्स के फाइनेंस में आर्यन का कोई रोल है। वो युवा है और उसे सबक मिल चुका है, उसे लंबे समय तक जेल में न रखा जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी और अब आज दोपहर 12 बजे आर्यन समेत दूसरे आरोपियों की जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट में अगर आज भी जमानत नहीं मिली तो आर्यन को अगले 5 दिन और जेल में बिताने होंगे क्योंकि छुट्टी की वजह से आज से 5 दिन तक कोर्ट बंद रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.